दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौरा गांव के पास एक युवक की दिन दहाड़े पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक चंदौरा गांव निवासी महेश प्रसाद का 22 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार बताया जाता है। मृतक के दादा का देहांत 12 दिनों पूर्व हो गया था, जिसके श्राद्ध कार्यक्रम में आज बरकी का दिन था। मृतक अपने बहनोई राजेश कुमार को गांव से सिलाव बस स्टैंड छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने बंदूक के दम पर रोक कर मृतक को अपने साथ खींच कर खेत की तरफ ले गया एवं रड और ईंट से कूच कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह पुरानी चुनावी रंजिश बताई जा रही है। आरोप गांव के ही पूर्व मुखिया रंजीत कुमार के इशारे पर करने की बात सामने आ रही है। नीता यादव एवं नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और मृतक के परिजनों ने यह बताया है कि दोनों पूर्व मुखिया का शूटर है और पूर्व मुखिया के इशारे पर ही इन लोगों के द्वारा हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां नालंदा में दिन दहाड़े एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।